कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बेसिक कंसेप्ट होंगे और जो क्लास 10 है उनके लिए यूजफुल हो सकते हैं, राइट? तो यहाँ सिस्टमेटिक वे में हम लोग देख लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, राइट? और फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, मैग्नेटिक का फील्ड लाइंस, और किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई मैग्नेट है, एक ये सपोज किया हम लोगों के पास में एक मैग्नेट है जिसके एक साइड हम लिखते हैं नॉर्थ और एक साइड लिखते हैं साउथ। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, कैसा होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, राइट? तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताते हुए चलूं कि पहला पॉइंट इसमें बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा जहां तक मैं सोचता हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर ऐसे ये साउथ पर खत्म होंगी, राइट? तो यहाँ एरो के थ्रू मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वे में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से चली और यहाँ खत्म हुई है, राइट? कहाँ से चली है? नॉर्थ से चली है। और कहाँ खत्म हुई है? ये साउथ पर खत्म हुई है, इस टाइप से। तो कोई भी लाइन जो नॉर्थ पोल से चलेगी उसका जो एंड होगा वो साउथ पोल पर ही जा करके होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल आप अलग यहाँ रख देंगे और साउथ पोल आप यहाँ पर रख देंगे, राइट? इनको अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा है। आप इस पॉइंट को ले लें तो इसमें एक साइड नॉर्थ पोल होगी, दूसरा जो है साउथ पोल होगी, और चाहे कितना भी बड़ा दूसरा मटेरियल ले लें तो उसमें एक साइड जो होगा, एक पोल जो होगा वो नॉर्थ होगा और दूसरा पोल जो होगा साउथ पोल होगा। तो मैग्नेटिक पोल को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि एक ही मटेरियल के अंदर, एक ही मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल हो जाए और एक साउथ पोल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम लोग इस तरीके से करके बोलते हैं कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसमें कितने पोल हैं? दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो ये डाइपोल हुआ, राइट? और इसमें से एक को जो है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोल, कि या तो नॉर्थ हो या साउथ हो, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो मटेरियल कितना भी स्मॉल हो। आप ये देख रहे हैं पॉइंट यहाँ पे, ये कितना भी छोटा है लेकिन इसमें एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तो ये होगा ही होगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये आप अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे पहुँच जाएगी, ऐसा होगा ही होगा कि नॉर्थ से चलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कहाँ पहुँचती हैं? साउथ पर। ऐसे नॉर्थ से चलेंगी और ये साउथ पर पहुँच जाएंगी, राइट? तो इन लाइनों को ही हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं, राइट? और यहाँ छोटा सा एक और एग्जाम्पल ले लें कि अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ ये एक छोटा सा एक ओपन सर्कल ऐसे बना देता हूं, तो फिर मैं बोलता हूं आपसे कि भाई अब ये बताओ कि इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर करती हैं, राइट? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं अगर किसी एक एरिया के थ्रू किसी एक सरफेस से या किसी ओपन सरफेस से। अभी आपको शायद ये ना मालूम हो कि मैं जो ओपन सरफेस या एरिया सरफेस बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, लेकिन आप ये रिंग टाइप का देख रहे हैं ना, इससे जितनी भी लाइनें अंदर जाएंगी वो जितनी टोटल नंबर ऑफ लाइन जाएंगी उतना ही उसको फ्लक्स उसका ज़्यादा होगा, राइट? जैसे यहाँ पर दो लाइनें एंटर हुई हैं, लेकिन मैं अगर एक लाइन और बना दूं तो अब उसकी फ्लक्स और बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ से टोटल नंबर ऑफ लाइन जो है वो ये निकली है और एक ये भी निकलेगी,
सभी तो नहीं जा रही है ना उसके थ्रू, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस उस सर्कल के या उस रिंग के अंदर से गई है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइन निकल रहे हैं। अगर मैं वही चीज आपका यहाँ पे ड्रा कर दूं इस तरीके से, एक यहाँ इस पॉइंट पर, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है ज्यादा होगा, राइट। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि एक दूसरा जो है बार मैग्नेट हम लोगों को यूज करना होगा। तो अगर ये दूसरा जो बार मैग्नेट है अगर यहाँ कोई फोर्स फील करता है, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है, तो हम कहेंगे कि जो पहली मैग्नेट है उसका फील्ड यहाँ तक है, राइट। जैसे आपका कोई फुटबॉल का फील्ड है या कोई दूसरा स्पोर्ट्स का फील्ड है, तो वो आप उसी फील्ड में खेल सकते हैं, राइट। उससे बाहर जाएंगे तो आप आउट हो जाएंगे। तो वैसे ही आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई मैग्नेट है उसका एक अपना फील्ड है, और उसी फील्ड के अंदर वो जो है कोई दूसरा जब मैग्नेट आएगा वो फोर्स फील करता है। होता क्या है कि एक्चुअली जैसे नॉर्थ चार चार्ज में होता है ना, वैसे ही इसमें मैग्नेट में होता है। नॉर्थ नॉर्थ जो है वो रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ ये जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, राइट। ये रिपल्सिव फोर्स होगा, और अगर आप अपोजिट करेंगे नॉर्थ साउथ करेंगे तो वहां पे ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपका एस एस साउथ पोल करता हूँ तो ये दोनों रिपल्सिव है, यहाँ एन एस कर लीजिए आप या साउथ और ऐसे नॉर्थ कर लीजिए, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स का मीनिंग है, राइट। उसका यहाँ आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, राइट। तो जो सेम पोल होंगे वो रिपल्सिव फोर्स होगा उनके बीच, यहाँ जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, और ये जो अपोजिट है इनके बीच जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। आप दो मैग्नेट ले लीजिए और उनके बीच जो है ना आप उनको देखिए, जब उनकी पोलरिटी आप चेंज करेंगे उनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि एक जगह बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और दूसरी जगह वो अपने आप ही खींच जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो बेसिक कंसेप्ट हुआ हम लोगों का कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और उनके बीच ये जो फोर्स लगता है क्यों लगता है, ये एक्चुअली इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनके बीच होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू बांध के रखते हैं या एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, रिपल्सन। तो यहाँ साउथ साउथ पोल है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ ये नॉर्थ साउथ है तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, राइट। इस साइड को ये इस साइड को चलेगा और ये इस साइड को, तो राइट इसका मीनिंग ये था। तो ये तो हुआ इतना बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपको ध्यान रखना है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट और भी है जनरली हम लोग जो यूज करते हैं और देखते हैं कि एक तो ये परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन सपोज किया मेरे पास में एक कोई वायर है, ये कोई वायर मैं इस तरीके से मान के चलता हूँ कि ए और बी मेरे पास में कोई वायर है। इस वायर को अगर मैं किसी जो है सर्किट के साथ में बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दूं, ये कोई की है, राइट। और यहाँ जो है वो इसको मैं एक बैटरी के साथ में ऐसे जोड़ देता हूँ। आपको पता है कि ये प्लस का सिंबल है और ये छोटा जो है निगेटिव है, और तो करंट कैसे चलती है प्लस से माइनस की तरफ को, तो करंट कैसे चल रही है इस साइड से इधर को, तो इसमें करंट का जो फ्लो होगा वो भी इस तरफ को होगा, तो आई जो है उसका नोटेशन किसका है, करंट का नोटेशन है। तो अब आपको अभी यहाँ एक्चुअली ये जो है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको, और इसमें करंट आई का फ्लो हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट। तो अभी ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट कैसे फ्लो कर रही है इस टाइप से, तो यहाँ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है देखने को मिलता है। अगर आप एक कंपास आप यूज करेंगे तो कंपास में ये निडिल होंगे दो, एक नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है और एक साउथ को, तो उसके अंदर जो है ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां जो है वो करंट का फ्लो हुआ था, तो अब वो करंट का जो फ्लो हुआ है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम लोगों को कोई पूछता है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ इस केस में, तो आप कैसे बताएंगे। पहले केस में तो क्या था कि आपके पास में एक मैग्नेट था, राइट, ये नॉर्थ इसका था और दूसरा जो साइड था वो साउथ था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ को चलती है, तो ये तो आपको पता है, तो ये डायरेक्शन तो आपको पता है, राइट, यहां से आप बता सकते हैं अगर आपको ये पता है कि ये नॉर्थ पोल है। लेकिन इस केस में आप कैसे बताएंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर से किस साइड को चल रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पॉइंट को स्टडी करेंगे।